केदारनाथ के रास्ते में फंसे 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि अभी तक 1500 से अधिक श्रद्धालु और स्थानीय लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान में वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स को भी उतार दिया गया है। केदारनाथ के रास्ते में फंसे 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है, 1500 से अधिक जबकि अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें से 150 लोगों से उनके परिजनों का संपर्क तक नहीं हो पा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने से 3 जिलों में आई तबाही में मरने वालों की संख्या 8 से अधिक हो गई है और 45 लापता हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी से इस बाबत टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने आपदा के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली, साथ ही हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा जताया। सीएम धामी ने बताया है कि उनके आग्रह पर वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स भी अब बचाव अभियान में जुट गए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के साथ ही पैदल मार्ग से भी तेजी के साथ बचाव कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को करीब 600 लोगों को हवाई मार्ग से और 2000 से अधिक लोगों को पैदल मार्ग से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सोनप्रयाग के जिलाधिकारी ने बताया कि पैदल मार्ग से निकाले गए यात्रियों को छोटे बड़े वाहनों से ऋषिकेश भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने गौरीकुंड, सोनप्रयाग और शेरसी में 286 बीमार यात्रियों का इलाज भी किया है। बुधवार करीब 9:30 बजे लिंचोली के समीप जंगल चट्टी में बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20 से 25 मीटर का पूरा मार्ग ही बह गया। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर इस मार्ग पर आए। इसके बाद रामबाड़ा, भीमबली, लिंचोली का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। बादल फटने से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर से अधिक की सड़क पूरी की पूरी मंदाकिनी नदी में समा गई। इसके चलते बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भीमबली के पास आकर फंस गए। केदारनाथ पैदल मार्ग और अन्य यात्रा पड़ावों पर फंसे यात्रियों के लिए अब जिला प्रशासन की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ, लिंचोली, भीमबली, सोनप्रयाग, शेरसी, गुप्तकाशी एवं चौमासी सहित अन्य स्थानों पर यात्रा पड़ावों पर फूड पैकेट्स साथ ही पानी की बोतलें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे जो यात्री वहां फंसे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। उधर वायुसेना भी अपना अभियान तेजी के साथ चला रही है, लेकिन उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम के चलते रह कर दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गुप्तकाशी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद बारिश तेज हुई और इसके चलते भी रेस्क्यू ऑपरेशन को बार बार बीच में रोकना पड़ा। शुक्रवार से अभी तक 700 से अधिक यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं केदारनाथ धाम में अभी भी मौसम खराब है, इसीलिए गुप्तकाशी से केदारनाथ के मौसम की भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।